ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधुर समुद्र कृपायक सिंधु श्री राधिके स्फुरतुमे रसकेलि सिंधु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रो सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद प्रतिमा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कतगल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब फुलिया में श्री हरिदास ठाकुर गुफा में भजन कर रहे थे वहां पर एक जहरीले सर्प भी रहता था, वह भी हरिदास ठाकुर का संग करता था। लेकिन जो लोग कथा सुनने के लिए आते थे हरिदास ठाकुर को प्रार्थना किया, यहाँ पर कोई सर्प रहता है इसलिए जिसकी वजह से यहाँ बैठना कठिन होता है, हम तो कथा सुनने आ ही नहीं सकते। हरिदास ठाकुर बोले मेरे को तो कोई कष्ट होता ही है, मेरे को तो कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं इस विषय पर कि संसार का जो सांप है ना, अगर एक बार डांस दे तो एक बार ही जन्म मृत्यु, एक बार ही जीवन नष्ट होता है। लेकिन ये माया रूपी सर्प एक बार अगर डांस देता है फिर तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर हमारी नष्ट हो जाता है। इसलिए बोले काल ब्याल मुख ग्रास, ये काल ही एक सर्प है, ये हमें ग्रासित कर रही है, हमें ग्रास कर रहा है। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित कथा सुना रहे थे तब श्री परीक्षित महाराज बोले ये जो तक्षक है ये तक्षक जो हमें दंशन करेगा है, इसलिए इससे बड़ा जो दंशन है ये माया की सर्प जीव को जब दंशन करे, इसलिए आप ये हरि कथा को बंद मत करो, क्योंकि हरि कथा बंद करने पर ये जो माया रूपी जो सर्प है काल रूपी जो सर्प है ये हमें ग्रास कर लेगा है। इसलिए बल ये जो सूरज ये सूरज नहीं ये काल है, पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, एक दिन हमारे नष्ट कर देता है। लेकिन कहते भैया किसका समय नष्ट नहीं होता है, बोले तस्सरिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता है। जितना समय हम भगवान की कथा में भगवान के कीर्तन में भगवान के भजन में समय को लगाते हैं
उतना समय ही ये काल हमारे समय को नष्ट नहीं कर सकता है और हमारे और सारे समय हमारी नष्ट हो रहा है। इसलिए जब सर्प जब हरिदास ठाकुर जी बोले हे महात्मा जी आप कौन हो, अगर आप नहीं जाओगे फिर तो मैं कल ये गुफा को मैं त्याग दे दूंगा। इतना बोलते ही वहां से वो जहरीले सर्प रंग बिरंग की एक जहरीले सर्प वहां से निकलते हुए वहां से चला गया है, वहां से चला गया। अभी सब लोग अभी आनंद से आकर के बैठ करके हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी और एक कथा सुना रहे हैं श्री हरिदास ठाकुर जी की महिमा। बोले एक समय किसी मंदिर में कोई जो सांप को जो मंत्र जानने वाले हैं, सांप मंत्र को जो छुड़ाने वाले कोई एक डंक वो क्या कर रहा था, उसको अंदर में कहते श्री कालिया नाग इनके अंदर में प्रवेश करते हुए जब कृष्ण कालिया के सर पर जब उन्होंने नृत्य किया था हैं, उसी कीर्तन को करते हुए बड़ी हाव भाव से वो नृत्य कर रहा था। जब नृत्य कर रहा था इतने में हरिदास ठाकुर किस कारण से वहां पर हरिदास ठाकुर आ गए। उन्होंने देखा कैसे नागराज वो व्यक्ति को अंदर में प्रवेश करते हुए कैसे कृष्ण कालिया नाग सर्ग पर नृत्य करते हुए जो बड़ा सुंदर भजन है उसको गा रहे हैं और बड़े सुंदर से नृत्य कर रहे हैं। इतने उसको देख करके हरिदास ठाकुर का शरीर की भी एकदम उसी भाव में आविष्ट हो गए और श्री हरिदास ठाकुर वहीं पर बेहोश हो गए। नृत्य कीर्तन करते 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 वहीं पर बेहोश हो गए और उनको शरीर में श्वेत कंप अश्रु पुलक वैवर्ण जितने सारे अष्ट सात्विक जो भाव हरिदास ठाकुर का शरीर में प्रकट हो रहा था और जो डंक था वो एक कोने में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके हरिदास ठाकुर का अंदर में है जो भावावेश में नृत्य कर रहे थे वो हाथ खड़े होकर के दर्शन कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था। और ले करके जब इतने में हरिदास ठाकुर जी है क्या क्या इसलिए जब से हरिदास ठाकुर वहां पर प्रेम में बेहोश हो गए हरिदास ठाकुर जी जितने वहां पर लोग थे ना सबके सब आकर के हरिदास ठाकुर का सब चरण धुल ले रहे थे हैं। हरिदास ठाकुर का क्यों, हरिदास ठाकुर जी महाभागवत है परम वैष्णव श्री हरिदास ठाकुर। अभी इनके चरण धूलि को लेते हुए देख करके एक ब्राह्मण था बोले अरे ये ऐसे नाचते नाचते गिर पड़ा तो ये सबके सब लोग उसका चरण धुल ले रहे हैं, उसका चरण धुल ले रहे। अगर मैं भी ऐसे नाचते नाचते गिर पड़ूंगा ना सब लोग क्या करेंगे, मेरे चरण धुली लोग ग्रहण करेंगे। इतने वो भी हाव भाव को दिखाते हुए नाचते नाचते कपट से है नृत्य करते 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 वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गिर पड़ा जो डंक था जो सापुड़ा था है वो तो हरिदास ठाकुर नृत्य करते समय हाथ जोड़ करके उनको दर्शन कर रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। लेकिन ये जब गिर पड़ा ना उसने देखा दुष्ट है तुम ये सोच रहे हो गिरने पर सबके सब चरण धुल लेते हैं सबकी। उनने उठाया एक है उठाया एक डंडा दे करके मार दे मार ऐसे पिटाई करना शुरू किया। इतने में तो उसने दया मैया रे करते 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 वहां से भाग गया। जब उसने भाग गया वहां पर और लोग वहां पर सब खड़े होकर के दर्शन कर रहे थे तो उनने हरिदास ठाकुर को प्रश्न किया, हरिदास ठाकुर ने प्रश्न किया और डंको को प्रश्न किया भले जिस समय से हरिदास ठाकुर नृत्य कर रहे थे आप तो बड़े हाव भाव से दर्शन कर रहे थे हैं और उसका आनंद ले रहे थे प्रणाम कर रहे थे हाथ जोड़ कर खड़े थे, लेकिन ये व्यक्ति जब गिरा अपने इसको डंडे क्यों मारे। बोले ये जो व्यक्ति है ना ये कपटी धूर्त है, ये कपटी ये धूर्त है, ये सोच रहा था शायद है मैं भी अगर नृत्य करते करते गिर पड़ूंगा सब लोग मेरे चरण धुल लेंगे। और ये प्रतिष्ठागामी था है, ये प्रतिष्ठागामी ये भक्ति से नृत्य नहीं कर रहा था, ये प्रतिष्ठा को पाने के लिए
नृत्य कर रहा था। इसलिए कहते जो हरिदास ठाकुर है यहाँ पर कहते ना अवैष्णव मुखद गिरनम पुतम हरि कथा मृतम श्लोक यहाँ पर लगता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जब किसी शुद्ध वैष्णव का मुंह से जब हरिकथा निकलती है कि तो हरिकथा पान कर तो क्या होता है, कहते जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए सन्मुख हरितं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम अजीत जितो भी। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान अजीत होते हुए भी, अजीत मतलब भगवान को जितना आप प्राप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन उनको कौन जीत सकता है, बोले वही जीत सकते हैं सन्मुख हरितं भवदीय वार्ताम। अगर कोई शुद्ध वैष्णव हो है, जो शुद्ध वैष्णव आचरणशील भक्त हो, अगर उनकी मुखार बिंद से निकलती हुई जो हरि कथा है बल भवदीय वार्ता। भवदीय मतलब भक्त और भगवान, इनकी कथाओं को अगर कोई काय मन और वाक्य से श्रवण करे, बोले काय मन वाक्य से श्रवण करे मतलब बोले कथा तो हम कान से सुनते हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कह रहे हैं काय शरीर से भी कथा सुननी चाहिए। बोले शरीर से कैसे कथा सुनेंगे, शरीर में कथा कैसे सुनेंगे। इसका मतलब है जहाँ कथा हो रही है, हाँ देखो इस चीज को समझो, जहाँ कथा हो रही है आए और धड़ा कर बैठे रहे, नहीं ये पाप अपराध है। इसलिए जहाँ कथा होती है कहते सर्वाणी तीर्थानी बसंती तत्रा जथा चुतादर कथा प्रसन्न। जहाँ पर भगवान की कथा होती है ना, जहाँ पर भगवान की कथा होती है शीघ्र देव, जहाँ पर भगवान की कथा होती है बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं, सारे तीर्थ वहीं पर निवास जहाँ पर हरि कथा हो। देखो जैसे कोई एक मैदान है, वहीं पर देखना लोग पैसा भी करते हैं, टाटी भी करते हैं, जूता पहन कर घूमते रहते हैं, लेकिन वहां पर अगर हरि कथा स्टेज लग जाए, वहां स्टेज लग गया, कारपेट बिछा दिया, वहां पर अगर हरि कथा होता है तो लोग क्या करते हैं, जूता पहन कर जाते हैं, वो जूते को बाहर रख करके जाते हैं, जूते को बाहर रख करके जाते हैं और वहां पर श्रद्धा पूर्वक बैठते हैं, कथा सुनते हैं, वो स्थान को प्रणाम करते हैं, वो स्थान को स्थान पवित्र हो जाता है, क्यों वहां पर भगवान की कथा हो रही है। इसलिए नियम है अगर कहीं कथा हो रही है जा गए और धड़ा कर बैठ गए, नहीं ये अपराध है। इसलिए जहाँ कथा हो रही है वहां जाकर क्या करो, शरीर मतलब है जाकर के पहले तो उस स्थान को पहले प्रणाम करो, क्यों वो पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो उसी स्थान में निवास करते हैं जहां पर भगवान की कथा हो रही है। उसको बाद में जो कथा सुनने वाले और जो कथा बोलने वाले हैं सबको प्रणाम करते हुए, इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। अगर करोड़ों जगह पर हरि कथा होना, हनुमान जी करोड़ों रूप धारण करते हैं, हर जगह पर हनुमान जी जाते हैं और क्या करते हैं हाथ जोड़ करके आंखों से आंसुओं को बहाते हुए हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़ करके कैसे कथा सुनते हैं, हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद होकर के प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं। और कथा सुनने का नियम क्या है, ज्ञानी बनकर कथा मत सुनो, क्या बनकर के, अरे हम सब जानते हैं कितना बार उसको सुनी सुने कथा हम और कितने सुनेंगे, क्या कहते नहीं कथा कैसे सुननी चाहिए, अज्ञानी बनकर की है तभी कथा की आनंद आएगा। अगर ज्ञानी बनकर कथा सुनेंगे ना, अरे सब जानता हूँ सुनी सुनाई कथा, नहीं कथा कभी पुरानी नहीं होती है, है? इसलिए तन बांग मनोभी क्या करो, पहले तन से मतलब शरीर से, उसके बाद में वाणी से, बोले वाणी से कैसे कथा सुने, वाणी से कैसे कथा सुने, जो कथा हम सुनते हैं वो कथा को जाकर दूसरों को भी सुनाओ, है ऐसे नहीं कथा सुने जाते समय अपना पल्लू झाड़ कर चले गए, कथा यहीं पर रहे हम तो जा रहे, नहीं जो कथा सुने वो कथा को जाकर दूसरों को भी सुनाओ।
हम गए थे, कितने सुंदर कथा सुने, बड़ी प्यारी कथा हो रही थी, यहाँ बड़ी प्यारी कथा हो रही थी, आप भी कथा सुनने के लिए चलो, आप भी भगवान की भक्ति करो, भगवान के भजन करो, हैं, हरि नाम करो, जो सुनते हैं दूसरों को भी सुनाओ, हैं, कोई भी कहते नहीं आप तो कुछ कुछ किए ही नहीं, कैसे बोले, नहीं हमने जो सुने मतलब गुरुदेव ऐसे बोल रहे थे, वैष्णव ऐसे बोल रहे थे, शास्त्र ऐसे बोलता है, शास्त्र ऐसे बोलता है, शास्त्र वाणी को हम दोहरा रहे हैं। अगर अभिमान आए हम तो कथा सुना रहे हैं, हम ही कथा सुना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो भैया जो जो कपट व्यक्ति हैं, हैं, जो कपट व्यक्ति हैं, उनकी कथा से जीव का कल्याण नहीं होता है, इसलिए कथा सुनने के लिए निष्कपट होता है, जबाई नहीं लेनी चाहिए कथा, ये अपराध है, इसलिए यहाँ पर बोले तन बांग मनो भी, पहले अपना शरीर से, उसके बाद में अपना वाणी से, उसके बाद में तीसरी चीज पर मन से तो कथा सुननी चाहिए, मन ही नहीं हो पर कथा नहीं सुन सकते, जैसे यहाँ पर बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ मन नहीं, मन और कहीं पर है, कथा को बाद में पूछे भैया क्या सुन रहे थे बताओ, भले मैं तो कथा, मेरा मन तो और नहीं था, लेकिन यहाँ पर शरीर से यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन मन नहीं होने का नाते जब पूछा है ना, बोले तो हम तो, हमारा मन तो और कहीं था, मतलब यहाँ बैठते हुए भी यहाँ पर हम नहीं थे, मन जहाँ पर हम वहीं पर थे, मन जहाँ पर हम वहीं पर थे, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जो वैष्णव है, इसलिए सतांग प्रसंगात मम वीर्य समृद्ध हो, इसलिए भगवान भी अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ कथा कहाँ से सुननी चाहिए, बोले कथा जहाँ तक नहीं सुननी चाहिए, इसलिए विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं कि जो कान रूपी जो दोड़ा है ना, देखो कान कैसे है, दोड़ा जानते हो कि नहीं, जैसे दोड़ा में हम पीते हैं, ये कान भी ऐसे दोड़ा है, भगवान इसको दोड़ा जैसे क्यों बनाया, तस्मिन महान मुखरिता मधुविश्चरितम, वैष्णव का मुखार बिंद से जो भगवत कथा रूपी जो मंदाकिनी की नदी बहती है, क्या करनी चाहिए, ये कान रूपी दोड़े में उसको पीनी चाहिए, इसलिए कान दोड़ा जैसे बनाया, क्यों, भगवत भक्ति रस को पान करने के लिए, हैं, पान करने के लिए, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो, कहते मैया जो साधु संग में मेरी जो कथा होती है, अगर वह कथा को तुम श्रवण करोगे तो क्या होगा, धीरे 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 श्रद्धा होगी, उसके बाद में रति भाव, उसके बाद में प्रेम आएगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं भक्ति नहीं करता है, भगवान की भजन ही नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, अपना बिजनेस के लिए करते हैं, आप देखना उनकी कथा सुन करके फिर कोई व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता, कोई व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता, बोले क्यों, बोले वो कथा वो तो भक्ति के लिए नहीं कर रहा है, वो तो अपना बिजनेस के लिए कथा कर रहे हैं, अपना बिजनेस के लिए कथा करते, इसलिए उसको तरह लोगों का जो चित है ना, ये चित्त परिवर्तन नहीं होता, लोग उसको तरह भक्ति भजन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ, इसलिए वो जब पूछे डंक को भैया तुम इसको मारे क्यों, और हरिदास ठाकुर जी जब नृत्य कर रहे थे, आप तो खड़े होकर के दर्शन कर रहे थे, और वो नाचने लग गया तो अपने पिटाई करना शुरू कर दिया, बोले कारण है ये जो हरिदास ठाकुर है, हैं, ये हरिदास ठाकुर जी के हृदय में भगवान की निवास है, वो भगवान के नित्य परिकर हो, कहते स्वप्न भी कुपत जाए ना, कहते स्वप्न अवस्था में भी ये कभी गलत रास्ता में कभी जाते नहीं, बोले तिलार्ध संग कृष्ण प्राप्ति, हिले तुलया बोलो तुलया लवना आपी न स्वर्ग ना अपनर्भव भगवत भक्त संगस्य वर्त्यानाम के मुताशिष्य, इसलिए अगर शुद्ध भक्तों का संग अगर एक लव हो जाए, एक लव मतलब एक सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का जो एकमा भाव को एक लव कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं अगर ऐसे शुद्ध भक्तों का संग अगर कभी जीवन में हो जाए ना, हैं, शुद्ध भक्तों का संग हो जाए, बस कहते कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतः भी यदि लभ्यते, अगर किसी भाग्य क्रम से अगर जिसका मति गुरुदेव कहते थे रुई है,
जैसे रुई को पानी में भिगो, क्या होगा? उसकी कण कण में पानी समा जाती है। रसगुल्ला खाए हो? गुलाब जामुन खाए कि नहीं? खाए है? जैसे क्या होता है, उसका कण कण में रस समाया हुआ। अगर कभी ऐसे भक्त कभी जीवन में मिल जाए जिनकी कण कण में भगवान की भक्ति समाया हुआ है, जो एकदम भक्ति रस में सरावर हो, अगर सर काट करके सर दे करके अगर ऐसे संग मिले ना, उसको खरीदी कर लो, उसको संग को खरीदी कर लो। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते जो हरिदास ठाकुर जी है जिनका एक तील है, एक लव जिनका साधु संग होने से क्या होता, बोले कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। कहते हरिदास ठाकुर जी इतने बड़े साधु है कि जिनके संग को ब्रह्मा शंकर भी जिनका संग को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जब वो नृत्य कर रहे थे सचमुच से भक्ति भाव से विभोर होकर के नृत्य कर रहे थे, इसलिए मैं खड़े होकर दर्शन कर रहा था। ये जो व्यक्ति था ये कपटी धूर्त व्यक्ति था, ये कपटी धूर्त व्यक्ति था, इसलिए मैंने इसको पिटाई किया। तो यहाँ पर कहते जाति कुल सब निरर्थक बुझाए थे। उसके बाद में इसलिए जन्म लेने नीचे कुले प्रभुर आज्ञा थे। इसलिए यहाँ पर दो दो तरह का बात है, हैं? एक बात तो है जाति कुल निरर्थक, यह बुझाए थे हरिदास जन्म लेने जवन कुल थे, जाति जो कुल है हैं? इसे निरर्थक ही है। जय भजे सही बड़ा अभक्त विचार, इसलिए कृष्ण भजन नहीं जाती कुला दे विचार, भगवान की भक्ति में जात कुल का कोई विचार नहीं है, ये एक। और दूसरे हैं जन्मिलन नीच कुल प्रभु आज्ञाते, इसलिए हरिदास ठाकुर जी भगवान को आदेश को पालन करते हुए उन्होंने ये मुसलमान घर में उन्होंने जन्म ग्रहण किए। बोले उत्तम कुल ते जदि श्री कृष्ण ना भजे, है उत्तम कुल जन्मी श्री कृष्ण ना भजे, कुल तार की करीबे नरक ते मजे। अगर उत्तम कुल में कोई जन्म ग्रहण किया लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है, क्या होता है, हैं? कहते नरक ते मजे, कहते उसको नरक में जाना पड़ता है, हैं? नरक में जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कोई व्यक्ति अपना अपना कर्म का फल से कोई ऊंचा कुल में कोई नीचे कुल में जन्म ग्रहण करता है, हैं? कोई ऊंचे कुल में नीचे कुल में जन्म ग्रहण करता है, लेकिन भगवान की जो भक्ति में है, भगवान की भक्ति में देखवार जन जवन कुले जन्म, लेकिन भगवान की भक्ति में सबे अधिकारी जाति कुले विचार नाई। इसलिए कहते हैं मन कि करे वर्ण कुल है, गाओ जिसने गाया था ना, ए मन कि करे वर्ण कुल, हे मान की करे वरण खोला, अजय को लेके ना जन्म ना है केवल भक्ति मोल, हे मान की करे वरण खोला। इसलिए कपि को ले धन्ना वीर हनुमान श्री राम भक्त राक्षसैया विभीषण बसे ईश्वर सवार मान, हे मान की करे वरण खोला, हे मान की करे वरण खोला। प्रेमानंद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तुमने ये कुल को कैसे श्रेष्ठ मान लिया, बोले गोपी कुल में है, ग्वालिनी कुल में कहते गोपियां जन्म ग्रहण की नीचे जाति में, लेकिन उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी चरण की एक धूल के लिए वंदना करते हैं, हनुमान जी राक्षस, हनुमान जी बंदर कुल में जन्म हुए, हनुमान स्वयं कहते हैं, हनुमान क्या कहते हैं देखो प्रभु राम की महिमा तो देखो, अगर सवेरे कोई उठे अगर मेरे मुंह देख लिया ना, बंदर का मुंह देख लिया, दिन भर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। हनुमान कहते मैं ऐसे कुल में जन्म ग्रहण किया, लेकिन प्रभु राम की महिमा को देखो, मेरे को प्रभु ने कितने उच्च स्थान दिया, सवेरे उठते ही सबके सब श्री हनुमान जी की
प्रणाम करते हैं सबके सब, और श्री विभीषण राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन जब भगवान के दरबार लगता है, भगवान उसको क्या करते, बराबर उसको आसन में, अपना बराबर आसन उसको ठाकुर जी देते हैं। प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन उन्होंने खंभे से श्री हिरण्य श्री किसको प्रकट कर दिया, श्री नरसिंह देव को उन्होंने प्रकट कर दिया। नरसिंह भगवान की अभी आ रहे ना, नरसिंह भगवान का तिथि आ रहा है, इसलिए उन्होंने नरसिंह देव को उन्होंने प्रकट कर दिया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद अपना टीका में कहते हैं, कहते मैन क्या है, भगवान की भक्ति। इसलिए कहते श्री नेमी महाराज जब नवजोगेंद्र को उन्होंने प्रश्न किया, नवजोगेंद्र में एक चमस है, जब उन्होंने प्रश्न किया था हैं, तब वो प्रश्न में एक उत्तर है, बोले नाभजन्ति अवजानन्ति स्थानात भ्रष्ट पतन्ति अध। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति अगर नहीं करते हैं क्या होता है, कहते वो व्यक्ति स्थानात भ्रष्ट, वो व्यक्ति स्थान से भ्रष्ट हो जाते, वो व्यक्ति का पतन होता है, वो व्यक्ति का पतन होता है। लेकिन हरिदास ठाकुर जी चबन कुल में जन्म ग्रहण किए, लेकिन गंगा वो बांच हरिदास रमंजन, कहते गंगा भी क्या करती है, हरिदास ठाकुर का वो भी चाहते कब श्री हरिदास ठाकुर जी आए और ये गंगा में स्नान करे, और अपना शरीर को जैसे हम स्नान करते समय क्या करते हैं, शरीर को रगड़ रगड़ कर हम स्नान करते हैं ना, उसी तरह कहते गंगा भी ये भी चाहते हैं हरिदास ठाकुर मंजन, जब घर शरीर को ऐसे रगड़ रगड़ जैसे स्नान करते हैं, कब आए और ये गंगा पानी में स्नान करे। इसलिए कहते हैं गंगा र परस हैले पश्चाते पवन दर्शने पवित्र कर हे तो मर्गुन हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तो मस्थाने अपराधे नाहि करान। कहते हैं गंगा में जब हम स्नान करते तभी हम पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव को जब केवल दर्शन कर लेते हैं, बोले पुंस अखनो सवितुर जथा, क्या श्लोक बोलो वैष्णव तत्व का श्लोक याद नहीं क्या, पुंस अखनो क्या हाँ, इसलिए कहते वैष्णव जैसे सूरज उदय होने पर जैसे सारे अंधकार दूर हो जाता है, कहते उसी तरह जब हम किसी वैष्णव का दर्शन कर लेते केवल वैष्णव दर्शन मात्र से ही हृदय की सारे अज्ञानता दूर हो जाता है। इसलिए हमारे महाराज कहते थे जैसे कोई शुद्ध वैष्णव है, वो कहते थे कोई शुद्ध वैष्णव है, हैं भले ही वो हरिकथा नहीं सुना रहे, केवल हम उसको पास में जाकर बैठ जाओ, गुरुदेव कहते थे उनका शरीर से जो भगवान की भक्ति रूपी जो चिन्मय जो कण है उनका शरीर से निकलती रहती है, चिन्मय कण उनका शरीर से निकलती रहती है, हैं केवल उनको पास में जाकर बैठ जाओ ना, अपने आप मन को शांति मिलती है, अपने आप शांति। इसलिए वैष्णव जब हाथ उठा कर नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवता को कल्याण होता है, प्रेममय दृष्टि से जितने दूर तक दर्शन कर ले, क्योंकि उनका जो दृष्टि प्रेम युक्त दृष्टि उतना दूर तक जा, जितने सारे दुर्भिक्ष दुख कष्ट खत्म हो जाती हैं, और जब प्रेम से नृत्य करते हैं उनकी चरण स्पर्श पाकर के प्रति भी अपना को धन्याती धन्यवादती हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कद हरिदास ठाकुर हैं, भले साधु लोग फिर क्यों जाकर के भगवत दीदा भागवता तीर्थिभूति स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्बंध तीर्थानी शांतस्तेन लदावेदम है। इसलिए वैष्णव का इतना महिमा ये वैष्णव का है, इसलिए वैष्णव लोग अपना हृदय में भगवान को धारण करके रखे, ठाकुर को धारण करके रखते हैं, इसलिए उनको तीर्थ में जाने का कोई जरूरत नहीं। फिर वैष्णव लोग क्यों तीर्थ जाते हैं, बोले तीर्थ कुर्बंती तीर्थानी, जो पापी लोग आकर के तीर्थ में
स्नान करके चले जाते हैं, जब वैष्णव लोग आकर के स्पर्श करते हैं, इतने शक्ति वैष्णव में तीर्थ का सारे पाप को वैष्णव लोग ग्रहण करते हैं, फिर तीर्थ को फिर पवित्र बना देते हैं, फिर लोग आकर के स्नान करते हैं। इतने वैष्णव की महिमा, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, बोले गंगा भी जिनकी मंजन को गंगा भी प्रार्थना करते हैं, इसलिए दर्शन पवित्र कर देते हैं, कर्म पास से मुक्ति हो जाते हैं। इसलिए कहते वैष्णव की महिमा अगर गाए ना, 100 साल में भी जिनकी महिमा खत्म नहीं कर सकते हैं। बोले सकृते जे बलिव हरिदास नाम, सत्य सत्य से जाइवे कृष्ण धाम। देखो हरिदास ठाकुर का नाम की, उनका नाम की कितने महिमा है, हैं? कहते सकृते जे बोली वे हरिदास नाम, अगर किसने एक बार श्री हरिदास ठाकुर का नाम को ले लेना, कहते सत्य सत्य सही जाए बेके कृष्ण धाम, कहते मैं सच सच बता रहा हूँ, वो जरूर कृष्ण धाम को प्राप्त करेगा। बोले श्री हरिदास ठाकुर की, हर जोर से कोई जय भी है बोलो, जोर से बोलो करे ना, जो हरिदास ठाकुर का नाम ले ले, बोले श्री हरिदास ठाकुर की, अभी लग रहा है जयकार दे रहे सब। इसलिए इतने हरिदास ठाकुर जी की इतने महिमा, कभी महिमा कौन बोल रहे, और नागराज बोल रहे, ये कालिय स्वयं कह रहे हैं, ये कालिय स्वयं श्री वैष्णव की महिमा कालिय स्वयं गान कर रहे, इतने महिमा है। अभी यहाँ पर बता रहे हैं, जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए, भक्त लोग भजन करते थे, भक्त लोग भजन करते थे, लेकिन भैया कलयुग, ये तो कलयुग का बात है, सत्य युग में भी बदमाश हिरण्यकश्यप था, त्रेता युग में भी रावण को वध करना था, और कितने दैत्य लोग थे, द्वापर में भी शिशुपाल दंत बकर और कितने दुष्ट लोग थे, कंस आदि, कलयुग में तो हो ही गई नाम ही कलयुग। इसलिए जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु है अभी लीला कर रहे हैं, लेकिन कुछ पाखंडी लोग भी है, पाखंडी लोग क्या करते हैं, वैष्णव को गाली देते हैं, हैं? कभी इनका रात भर कोई सोते नहीं, पेट में तो चावल, पेट में तो भोजन है ही नहीं, रात को तो नींद नहीं आती, और रात भर चिल्लाते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बुलाओ राम राम राम। और एक बार बोलो, फटो जा रहे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। इसलिए ये पाखंडी लोग भक्तों को तरह तरह से गाली देते थे, हैं? और क्या बोलते थे, बोलते थे हम देखेंगे जो चावल है ना, अगर इसका कीमत थोड़ा बढ़ गया है, ये लोग हरी हरी बोलते हैं ना, जैसे हैं रात में चित्कार करते रहते हैं, इसलिए ठाकुर को रात में नींद नहीं आती, ठाकुर को नींद नहीं आती, अगर तुम रात भर अगर ठाकुर को सो रहे, अगर हरी नाम करोगे रात में, ठाकुर को नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा दुर्भाग्य होगा। अगर चावल का कीमत बढ़ गई, आटा की कीमत, इनको पकड़ पकड़ेंगे ना, पिटाई करेंगे, इसलिए कहते इनको पकड़ पकड़ करेंगे, खिलाओ खिलाओ, खिलाओ खूब पिटाई, इनको धुलाई करेंगे, हैं? अगर चावल आटा की रेट अगर ज्यादा हो गया तो। इसलिए ऐसे ही भक्त लोगों को ये पाखंडी लोग गाली देते थे, लेकिन भक्त लोग बड़े दुखी होकर के, हैं? भक्त लोग दुखी होकर के भगवान की भजन करते थे, भक्ति करते थे। देखो उसी समय में भी जगाई माधाई थे, हैं? और ऐसे युग गया है जिस पहले हिंदू लोग खोल करके भगवान की भक्ति नहीं कर सकते थे, महाप्रभु का समय में भी जब हरिनाम कर रहे थे, हैं? हमारे कौन कौन, हमारे श्रीवास पंडित आदि, उस समय काजी ने क्या किया, मुसलम मृदंग तोड़ दी, ले हरिनाम नहीं कर सकते हो, हैं? मृदंग बजा करके हरी हरी कर रहे हो, मृदंग तोड़ दिया उस समय में। लेकिन इसी समय जो इस समय है ना, समझो ये राम राज्य चल रहा है, हम निश्चित होकर हरिनाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तिलक लगाए भक्ति कर रहे हैं, सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं, हाँ जाने पर घर में आदर भी देते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, फल भी खिलाते हैं, भिक्षा भी देते हैं भक्त लोग, हैं?
हाँ अभी समझो एक तरह का ये सत्य युग चल रहा है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु आए ना मन की कृपा से, हैं महाप्रभु और भक्तों महाप्रभु का परिकर लोग आए, भक्त लोग आए, उनके प्रभाव से उन लोगों ने परिश्रम करके गए, कीर्तन करते प्रचार करते गए, हम बैठ बैठ कर फल को हम खा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हाँ? उस समय श्री हाँ भक्त दुख कीर्तन छाड़ना, भक्त लोग क्या कर रहे थे, उच्च स्वर से हरि नाम कर रहे थे, हरि कीर्तन कर रहे थे। कहते एक समय, उस समय हरिदास ठाकुर जी तीन तीन लाख हरि नाम करते थे। कहते हरि नदी ग्राम एक है, वहां पर एक दुर्जन ब्राह्मण था, कोई दुष्ट ब्राह्मण है। उसने हरिदास ठाकुर जब 3 लाख हरि नाम करते थे, 1 लाख हरि नाम तो जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 1 लाख हरि नाम ऐसे जप करते थे अपना कान तक अपने आप तक सुनाई पड़े, और 1 लाख जो हरि नाम करते थे मन मन में। एक समय हैं कहते वो जो व्यक्ति था उसने कभी हरिदास ठाकुर को प्रश्न किया, हरि नदी ग्राम हाँ कहते हरि नदी ग्राम में ब्राह्मण ने प्रश्न किया, बोले क्यों पंडित जी हैं उच्च करी लाइलेस हैं तुम, ये हमने सुना जो भजन है ये क्या मन मन में ये भजन करते हैं, लेकिन तुम तो क्या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हाँ हम तो बड़े भक्त है, ये चिल्ला चिल्ला कर क्यों हरि नाम करते हो हैं, इसका क्या रहस्य है। तब श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं बोले उच्च करी लैले सत गुण पुण्य है, दोष त ना है कहे शास्त्र गुण जे वर्ण है। हरिदास ठाकुर कहते हैं उनने को उदाहरण दे करके बताए, बोले देखो एक व्यक्ति कमा करके अपना जीविका निर्वाह करता है, एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़े कौन है, बोले जो पूरा परिवार को खिलाते हैं। तो उसी तरह जो व्यक्ति अपना मन मन में करता है वो अपना कल्याण सोचता है, अपना कल्याण होता है, लेकिन जो कोई व्यक्ति उच्च स्वर से नाम लेता है क्या कहता है, बोले पशु पक्षी कीट बोली ते ना पारे, सुनी लई हरि नाम तारा सब तरे, बोले जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं ये कोई भी हरि नाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो लोग कोई व्यक्ति जोर जोर से हरि नाम करते हैं ये हरि नाम का ध्वनि जितने दूर तक जाए। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे हैं, कहते एक पत्थर उठाओ, पत्थर उठा करके पानी में फेंको, फेंको कहते क्या होगा उसमें लहरी आएगी, वो लहरी आएगी अंतिम छोर तक स्पर्श करेगा, फिर दो बार लहरी आएगी। कहते उसी तरह जब हम श्री हरि नाम कीर्तन करते हैं कि जो ध्वनि है ना ये अप्राकृत दिव्य ध्वनि है, इसका कथा की जो तरंग है कहते कि जो भैंस का जो तरंग है वो चार तरफ में बिखरता है, चारी तरफ में हरि नाम का ध्वनि चारी तरफ से बिखर रहा है, जितना दूर तक इसका ध्वनि जाएगी उतना दूर तक किसी तरह का दुख और कष्ट पाप नहीं रहेगा। इसलिए पहले पहले हमारे गांव में अष्ट प्रहर करते थे, अष्ट प्रहर में अष्ट प्रहर तक 24 घंटा है सबके सब गांव के लोग बैठ करके, और पहले हमारे गांव में सब तो उड़ीसा के लोग देना, गांव में अगर कोई दुख कष्ट आ जाता क्या लोग क्या करते थे, मृदंग मजीरा लेकर के कीर्तन करते थे, हरि नाम कीर्तन करते थे, कुछ दिन कीर्तन करने पर अपर्याप गांव का जितने दुख कष्ट अपने आप खत्म हो जाते थे। इसलिए यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी कहते हैं जोर जोर से हरि नाम ग्रहण करने से क्या होता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उनको कान में भी भगवान का नाम पड़ेगा तो उनका भी कल्याण होगा। बोले भैया कहीं प्रमाण है तो उन्होंने श्लोक बताए, क्या श्लोक बताए जोर से बोला, हाँ आत्मानां च पुनर्तुचैर जपन सोत्रिन पुनाति च। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति मन मन में हरि नाम करते हैं उनको जो फल मिलेगा, जो व्यक्ति उच्च स्वर से हरि नाम करते हैं उनको 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा, 1 गुण नहीं कहते 100 गुण उसको ज्यादा फल मिलेगा जो उच्च स्वर से हरि नाम ग्रहण करते हैं। वहां पर और एक श्लोक बताए, बल्ले जन्नाम गृहन अखिलान
सोत्रिनात्मानेव च सत्यपुनाति किं भूय तस्य स्पृष्टं पदा इति। ये श्लोक में कह रहे हैं बोले जन्नाम गृह्णात अखिलान, कहते जिनका नाम ग्रहण करने पर है, कहते अखिलान मतलब होता है, अखिलान मतलब होता है कि भगवान का नाम को सभी ग्रहण कर सकते, अखिल व्यक्ति हरि नाम ग्रहण कर सकते हैं। और हरि नाम ग्रहण करने के लिए कोई पाबंदी नहीं, बोले स्नान, अगर कोई बोले नहीं जब तक तो कोई स्नान नहीं कर तो हरि नाम नहीं कर सकते, बोले नहीं बगैर स्नान के भी हरि नाम ग्रहण कर सकते। इसलिए अजामिल ने जब हरि नाम ग्रहण किया वहां पर एक श्लोक आता है, उस श्लोक में बताए वो सोया हुआ था, लेटा हुआ था बिस्तरा में, टाटी पेशाब बिष्टा मूत्र को विसर्जन कर रहा था, मतलब संपूर्ण अपवित्र अवस्था में था उस समय है। और ये पहला नंबर। दूसरा है जब उन्होंने भगवान का नाम लिया, भगवान को नहीं बुलाया, किसको बुलाया था, अपना बेटे को बुलाया था। दूसरे बोले तीसरे नंबर है, तीसरे नंबर बताए जब उन्होंने बुलाया बेटे को जैसे स्थिर बुद्धि से, जैसे बुद्धि हमारा स्थिर है, स्थिर बुद्धि से किसी व्यक्ति को बुलाओ ठीक, लेकिन उस समय डरा हुआ था, क्यों, तीन जमदूत गले में काल भास लगा कर खेच करके ले जा रहे थे, उस समय डरा हुआ भयभीत होकर चित्कार करके नारायण चित्कार करते हुए, बुद्धि उस समय स्थिर नहीं था है। और चौथा है, है? कहते नारायण अपि है, कहते अजामिल अपि, अजामिल मतलब क्या, बहुत बड़ा पापी था है, बहुत बड़ा पापी था, उसका अंदर में सारे दुर्गुण रहते हुए भी भगवान को नहीं बुलाया, चित्कार करते हुए अपवित्र अवस्था में थे, तब भी क्या हुआ, विष्णुदूत नारायण चार अक्षर बोले तो क्या हो गया, चार विष्णुदूत आगे बोले मां भयो, कोई डरने का बात नहीं, हम हैं रक्षा करने वाले, कोई चिंता नहीं करो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते अगर कोई बोले स्नान करके तुम्हें हरि नाम ग्रहण करना पड़ेगा, वो भी पाबंदी नहीं, अगर कोई बोले अरे पहले तो पूजा पाठ करो, जब तब करो तब करो, बोले वो भी नहीं है, बोले स्वाध्याय शौच संन्यास जोग जाग कोई पुण्य कर्म करके, बोले भगवान का नाम लेने के लिए अखिलान, बोले सब व्यक्ति सब अवस्था में भगवत नाम को ग्रहण कर सकते हैं, हैं? उसको बाद में कहते भैया हरि नाम करने के लिए हैं, कहते भैया श्रद्धा की तो जरूरत होनी चाहिए हैं, इसलिए श्रद्धा होकर युक्त होकर के हरि नाम ग्रहण करनी चाहिए, पर भगवत नाम ग्रहण करने के लिए श्रद्धा का भी कोई जरूरत नहीं। इसलिए उदाहरण देते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम बा स्तोभम हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अग्रहणम विदु। इसलिए कहते भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है, पहला है सांकेत्यम, सांकेत्यम मतलब इशारा करके है, बेटा का नाम जिसे रख लिया, पारिहास्यम हंसी दिलाई करते हुए हरी 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 करके क्या होता है, इसलिए हरी हरी करने से क्या होता है, इसलिए अगर कीर्तन करते हुए अवहेला पूर्वक किसी तरह से भी अगर भगवान का नाम को कोई ग्रहण करे तो उससे जीव का कल्याण हो जाता है, हैं? और क्या है, हाँ, जन्नाम गृहण अखिलान सोत्रिन आत्मा ने बच सत्य पुनाति। यहाँ पर कह रहे हैं भैया भगवान का नाम लेकर के क्या उसी समय कल्याण हो जाएगा, अगर कोई बोले अगर किसी तरह से अगर भगवान का नाम, इसी जगत में कोई भी काम करो ना, 25 साल तक पढ़ाई करो उसके बाद में कोई नौकरी मिलता है, खेती में काम करो कितना दिन बाद में फल आएगा, इसी जगत में कोई भी काम करो ना, कोई काम झट फल नहीं देता है, कुछ दिन बाद में, लेकिन यहाँ कहते सत्य भगवान का नाम लेते ही, नाम लेत भव सिंध सुखाई विचार कर सुवन मनवाई। इसलिए कहते नाम लेते जिस समय नाम ले हुए, अजामिल ने केवल नारायण नाम लिया उसी समय जमदूत को भगा करके विष्णुदूत आ गए, हैं विष्णुदूत आकर जमदूत को भगा दिया, पहले नाम लेते ही सत्य फल मिलेगा, उसके लिए देर नहीं करते ही फल मिलेगा हैं। इसलिए सत्य पुनाति किम भूयात् पृष्ठ पदा इति,
इसलिए कहते भगवान का नाम किसी तरह से क्यों ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान का नाम उसकी कल्याण करेगा ही। तब वहां पर बताए हरिदास ठाकुर एक बात बताए, बोले देखो जितने पशु पक्षी कोई हरि नाम नहीं ग्रहण कर सकते, केवल इंसान कर सकता। बोले भैया पशु पक्षी भी हरि नाम करते हैं, कौन करता है? बोले पाखीरे जे नाम, बोलो उसके बाद में पता नहीं तुम लोग, पाखीरे जे नाम लवाई ले लाई। प्रभाम ठाकुर कह रहे भगवान का नाम करते, भैया तुम इंसान होकर के भगवान नाम नहीं करते हो, पक्षी भी चिड़िया भी हरि नाम करता है। बोले कौन? बोले तोता। तोते को बोले राम राम, देखना तोता भी राम राम बोलता है। जो बणी बणिया चे हम ओडिया से बणी, वो भी राम राम बोलता है, वो भी कृष्ण कृष्ण बोलता है इसको, हैं? इसलिए कल कहते हैं भैया तोता भी तो राम नाम लेता है, कृष्ण नाम। आप कह रहे थे पशु पक्षी भी नाम नहीं ले सकते, तोता भी तो नाम लेता है। तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, कहते एक अनुकरण और एक अनुसरण है, एक अनुकरण और एक अनुसरण। अनुकरण किसको कहते हैं? जैसे यात्रा में नारद का रोल करना, कहते ये अनुकरण, और नारद का उपदेश को पालन करना, ये क्या है? अनुसरण। ये अनुसरण, इसलिए कहते ये अनुकरण करता है, ये अनुसरण नहीं करता है। इसलिए कि तोता तब तक राम राम कहेगा जब तक बिल्ली नहीं देखता है, और बिल्ली देखता ना आंख बंद कर देता है, बिल्ली देखता आंख बंद कर नीचे कर देता है। लेकिन उस समय क्या होता है, बिल्ली आकर जब पकड़ता है ना, वो राम नाम नहीं निकलता उसका मुंह से, टे 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 निकल लगता है, वो राम राम फिर नहीं करता है। इसलिए कहते हैं भगवान का जो नाम है, बोले सेवन मुख जुहा दो स्वयं तत्व। भगवान का नाम सेवन मुखी होने पर भगवान की शुद्ध नाम तभी निकलता है और उसमें जीव का कल्याण होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो तोता जो राम नाम लेता है इसका क्या कोई फल नहीं मिलेगा? बोले हाँ फल मिलेगा, उसको कुछ सुकृति, उसको कुछ सुकृति होगा, कुछ उसके अंदर में संस्कार बनेगा उसके अंदर में, हैं? उसको कुछ फल जरूर उसको मिलेगा ही। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवत नाम को क्या करनी चाहिए, उच्च स्वर से हरि नाम ग्रहण करने से जहां तक ये आवाज जाए जो सुने उनका भी कल्याण होगा। बोले श्री हरिदास ठाकुर की, बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसके बाद में क्या होता है, बहुत अच्छी बात इसके बाद में आएगा, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद बता रहे हैं, कल इसको सुनेंगे प्रभुपाद इस विषय पर क्या बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महाराज आसन राम अरिया सर राम राम हरे 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 कृष्ण। बोलो पीछे पीछे कल एकादशी की सब लोग कल एकादशी करना जो देख रहे हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। यति लीला प्रवेश शिल भक्ति प्रज्ञान शिल केशव गोस्वामी महाराज की जय। यति लीला प्रवेश शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। यति लीला प्रवेश भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। सपरिकर प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। गिरिराज महाराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि। कल एकादशी सबके सब एकादशी व्रत रखियो।